अवेलेबल है हिंदी में। इसका जो लैंग्वेज है वो आपको हिंदी में देखने मिलेगा, ये बहुत ही अच्छी बात है इंडिया में, और इंग्लिश में भी आपको जल्द से जल्द देखने मिलेगा। यह है ट्विटर का ऑल्टरनेटिव ऐप को, और ये बहुत ही अच्छा है, कितना अच्छा है, ये सब देखेंगे। बहुत सारे अभी लॉन्चिंग हो रहा है, जिस तरीके से डेवलपमेंट्स होते हैं देखेंगे, और बहुत सारे लोग डाउनलोड करेंगे और अपना ये यूज कैसा हुआ और कैसा सब कुछ बताएंगे, तब हम आपको बताएंगे कि ये कैसा है, ये क्या लीक आई, ये इसका इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। जैसा हम भी है इसको ऐप को डाउनलोड करेंगे, इसके फंक्शंस टेस्ट करेंगे, टेस्ट करने के बाद आपको इसका रिव्यू देंगे। चलिए चलते हैं, हमारी अगली न्यूज आ रही है नोकिया के तरफ से। नोकिया का एक नया स्मार्टफोन लॉन्च हो चुका है जो कि है 5.4। आज लॉन्च हो चुका है 5.4 नोकिया का, और नोकिया के फोन्स बड़े जबरदस्त होते हैं, मगर इसका प्राइस थोड़ा हाई होता है। नोकिया को ये बोलते हैं कि हम बजट में ला रहे, मगर नोकिया का बजट हमारा बजट बहुत सारा है। अप्रोक्सीमेटली ये 13,000 यानी 13,000 का हो सकता है, देखना है। आ चुका है, आज लॉन्च हो चुका है, देखिए, और इसका टोटल रिव्यू आपको कल मिल जाएगा। हम जल्द से जल्द इसके ऊपर एक नया वीडियो बनाने वाले हैं, जिसमें हम इसकी सारे स्पेसिफिकेशन बताएंगे, प्राइस बताएंगे और क्या क्या इसमें खूबियां हैं, ये सब बताएंगे। तो वेट करो, जल्द से जल्द आ जाएगा हमारा इसके ऊपर वीडियो। तो चलो, ये चलते हैं हमारी जो नेक्स्ट न्यूज आ रही है व्हाट्सएप की तरफ से। तो व्हाट्सएप में नया अपडेट आने वाला है, जिसमें आने वाला है आपको मल्टी डिवाइस का सपोर्ट, मतलब एक ही आईडी आप चार फोन्स में यूज कर सकते हो, तो इसका मैक्सिमम 4 फोन्स आप यूज कर सकते हो। ये जल्द से जल्द इसका न्यू अपडेट आने वाला है व्हाट्सएप के अंदर, तो देखते हैं ये क्या क्या अच्छा मुकाबला करता है। वैसे भी व्हाट्सएप का जो ये प्राइवेसी पॉलिसी के ऊपर ये जो हुआ था, उसकी तरफ से ही व्हाट्सएप बहुत ज्यादा ये हो चुका है, तो देखते हैं इसके अपडेट्स क्या कमाल करते हैं और कितना अच्छे अपडेट्स लाता है। और व्हाट्सएप के जो वेब में भी है, उसमें भी नया अपडेट आने वाला है, मतलब आप फोन को एक ही नेटवर्क में रखना पड़ता है, जब आपको कंप्यूटर में या फिर वेब में कर रहे होते हो आप मोबाइल को, मतलब अब इसमें आपको नहीं मिलेगा ये अपडेट के बाद, आप कैसे भी यूज कर सकते हो, लॉग आउट भी कर सकते हो। ये तो बहुत अच्छा फीचर है, देखते हैं कब तक आता है ये अपडेट, आने के बाद हम आपको इसको जरूर बता देंगे कि इसमें और क्या क्या फीचर्स दिए गए हैं व्हाट्सएप की तरफ से। और ये प्राइवेसी पॉलिसी तो चल रही है, देखते हैं क्या क्या करता है व्हाट्सएप, क्या इसको कैंसिल करता है या फिर ऐसे रखता है, देखेंगे। चलिए चलते हैं, अगली न्यूज आ रही है हमारी 5G की तरफ से। 5G एयरटेल 5G, तो एयरटेल का रेडी हो चुका है 5G नेटवर्क, और बहुत सारे चीजें उन्होंने जो 5G के लिए चाहिए वो बहुत सारी चीजें रेडी कर चुके हैं इंडिया में। तो अब इसके जो स्पेक्ट्रम्स है गवर्नमेंट जो सेल करने वाले 2-3 महीने के अंदर अंदर ये गवर्नमेंट जो टेलीकॉम सर्विसेज वालों को सेल करने वाले हैं, देखते हैं कब तक आने वाला है, एक्शन होने वाला है मोस्टली मार्च या अप्रैल में एक्शन हो जाएगा, और इंडिया जल्द से जल्द 5G भी आने वाला है, देखेंगे कब तक आता है ये 5G। और हमारे जियो भी आने वाला है, एयरटेल, देखते हैं कितना 5G सपोर्ट लाने वाला, कितना जल्दी लाने वाला और कहां इंडिया में, सारे इंडिया में सपोर्ट आपको इसमें देखने को मिलेगा, ऐसा एयरटेल उन्होंने बताया है। देखते हैं ये जब 5G लाएंगे तब हमें पता चल जाएगा। चलिए चलते हैं, अगली न्यूज आ रही है कॉलकॉम की। कॉलकॉम स्नैपड्रैगन का X65 ये मॉडर्न आ चुका है, तो ये बहुत ही ज्यादा फ्लैगशिप लेवल का मॉडर्न है, और ये 5G आपको देखने मिलेगा, बहुत ही ज्यादा पावरफुल होगा ये चिप, और ये जल्द से जल्द आने वाला है मोबाइल्स के साथ में, और ये फ्लैगशिप है, थोड़ा बजट में नहीं होगा, ये थोड़ा हाई रेंज है, महंगा होगा क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा तगड़ा चिप है। तो ये फ्लैगशिप फोन जो आने वाले हैं 5G, वो कोई फोन में आने वाले हैं, देखते हैं कौन से फोन में आने वाले हैं, ये अभी तो अनाउंस किया है, देखेंगे कौन से कंपनी इसमें खुद पड़ेंगे और कौन से कंपनी लेके आएंगे। फिर ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल ये आपको देखने मिलने वाला है, चिपसेट मिलने वाला है। ये चलते हैं, अगली न्यूज आ रही है हमारी IQ के तरफ से। IQ तो ये कंपनी जो इंडिया में पहले 5G फोन लाई थी, तो 5G फोन लाने के बाद दो तीन फोन लाई, बाद में गायब हो चुकी थी,
एक ही आया ब्रांड उसका IQ, अब उसके बाद 3-4 कोई चीज नहीं आई, अब सीधे सीधे आ रहा है, जंप कर रहा है IQ 7। तो इंडिया में मार्च में आपको 7 देखने को मिलने वाला है, और उसके बाद जून जुलाई इसमें आपको और दो फोन्स देखने मिलने वाले हैं। ये तो कंफर्म है कि IQ 7 मार्च में देखने मिलने वाला है, और ये जो दो फोन और लॉन्च होने वाले हैं ये देखते हैं कि ये कौन से होने वाले हैं और इंडिया में क्या प्राइस रेंज पे लॉन्च होने वाला है IQ 7। तो ये हमें मार्च में देखने मिलने वाले हैं। देखते हैं, ये IQ बहुत दिनों से इंडिया में कुछ नहीं कर रहा था, इंडिया में कोई भी उसके फोन अब तक आए नहीं है, फोन आए नहीं है, पुराने वही चल रहे हैं, उसके वो फोन भी अच्छे हैं। अब ये वाले देखते हैं क्या बजट में लाता है, क्या प्राइस रेंज आती है और कितना अच्छा परफॉर्म करते हैं इंडिया में ये। ये लॉन्च होने के बाद हम आपको इसकी सारी डिटेल्स इंडिया की दे देंगे। चलिए चलते हैं, हमारी अगली न्यूज आ रही है रेडमी के तरफ से। Redmi Note सीरीज, Redmi का Note सीरीज में Redmi Note 10 सीरीज में आने वाले नए फोन्स मार्च में आपको इसमें जो 10 सीरीज है इसमें आपको फोन्स देखने को मिलने वाले हैं। तो ऐसा बताया जा रहा है कि Redmi 10 सीरीज में आपको एक 5G वेरिएंट मिलने वाला है और एक 4G वेरिएंट आपको देखने मिलने वाला है। और ऐसा भी बताया जा रहा है कि इसमें आपको 108 मेगापिक्सल का कैमरा, एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलने वाला है। मतलब इसके जो लीक्स एंड रूमर्स जो आ रहे हैं वो फ्लैगशिप फोन के रूमर्स आ रहे हैं। तो देखते हैं ये क्या करेगा Xiaomi Note 10 सीरीज। हो सकता है मार्च 10 को ही लाए सीरीज, हाँ, नेक्स्ट मार्च में आ जाएगा। डेट तो कंफर्म नहीं की है, मगर हमारा किसी का है 10 सीरीज है, इसीलिए तो 10 पे ही ला सकता है। देखिए कब लाएगा ये मार्च में, कौन से डेट पे लाएगा, ये जल्द से जल्द हमें पता चल जाएगा तो हम आपको बता देंगे न्यूज में ही। और देखते हैं इसमें क्या क्या वेरिएंट्स आते हैं, 4G वेरिएंट्स आते हैं और इसमें आपको 108 मेगापिक्सल कैमरा देखने को मिलने वाला है और एमोलेड डिस्प्ले भी आपको देखने को मिलने वाला है, ऐसा लीक्स कह रहे हैं। तो देखते हैं ये पूरा फ्लैगशिप लीक्स हो गई है, देखते हैं क्या ये फ्लैगशिप फोन ही आएगा ऐसे लीक्स के दौरान। फ्लैगशिप तो आएगा नहीं है, मिड रेंज फोन है, मिड रेंज ही फोन रहेगा। चलिए चलते हैं आज की टेक न्यूज होती है यहीं पे खत्म। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल पर सब्सक्राइब जरूर से करना, बेल आइकन दबाना ऑल पे करना, कमेंट जरूर से करना आपको कौन सी टेक्नोलॉजी अच्छी लगी, कौन सा मोबाइल आपको बहुत ही अच्छा लगा जो कि अपकमिंग आने वाला है वो आप लेना चाहते हो तो कमेंट बताना। और हमने डिस्क्रिप्शन में सारे वीडियोस के लिंक दे रखे हैं, जाओ और वो वीडियोस भी देखो। तो मिलता